पहले तो सबको मेरा सत श्री अकाल नमस्कार। नानक नाम जहाज जो है वो पंजाबी फिल्म है और बहुत से लोगों को अभी तक याद होगा एक इस नाम की फिल्म बहुत साल पहले बनी थी जिसके मेन स्टार थे पृथ्वीराज कपूर जी। और पहले ऐसी फिल्म थी जिसमें जब थिएटर में रिलीज़ हुई थी तो लोग जूते उतार कर गए थे और वो सारी कहानियाँ मैंने सुनी हुई हैं उस वक्त जब ये ऐसा होता था। मतलब सो कुछ थिएटर ऐसे भी थे जहाँ 5,000-10,000 की कैपेसिटी भी अगर होती थी या कम थी लेकिन जूते सब बाहर होते थे। इस लगन से लोगों ने इस फिल्म को उस वक्त देखा था क्योंकि उसका नाम ऐसा था, नानक नाम जहाज। अब वो नाम जब मुझे उसके बारे में बताया कल्याणी जी ने, कहानी जब सुनाई तो सुनने के बाद तो मेरे तो इनकी कहानी भी सुन रहा था, साथ साथ बचपन की यादें भी सामने आ रही थी कि ये नाम की कहानी बनी थी इस तरह की। तो मुझे बेहद खुशी है कि इस तरह की कहानी का मैं हिस्सा हूँ क्योंकि पंजाबी में ये बहुत बड़ा नाम है, नानक नाम जहाज है। अब इसकी कहानी के अंदर जो कुछ है वो भी उतना ही प्योर होना चाहिए, वो कहानी की जो एक एक लड़ी है वो उतनी ही सुंदर और पाक होनी चाहिए थी। तो ये कहानी जब मैंने सुनी कल्याणी जी के मुख से तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके बहुत ही करीब हैं, उस कुछ लड़ियाँ उस कहानी की वो उस कहानी को थोड़ा सा और भी अलग कर देती है। तो ज़्यादा कुछ ना बता कि कहानी के बारे में मैं इतना ज़रूर कहूँगा मुझे बेहद बेहद खुशी है इस बात की कि मैं इस कहानी का हिस्सा हूँ और वो रोल किया मैंने जो पृथ्वीराज कपूर जी ने किया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पंजाबी में हर तरह की पिक्चर है, इस पिक्चर टाइप स्टोरी सब्जेक्ट किस तरह आपने सोचा बनाने के, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हमें ये टाइटल मिला नानक नाम जहाज, क्योंकि हम 2.5-3 साल से इस टाइटल के पीछे थे लेकिन मिल नहीं रहा था, और मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी कि ये टाइटल हमें मिल जाए, इसके लिए मैंने बहुत मिन्नतें भी की थी बाबा जी से कि ये टाइटल हमें मिल जाए, और फाइनली 2.5 साल के बाद ये टाइटल हमें मिला। टाइटल जब मिला उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई, मेरी मेहनत शुरू हुई, क्योंकि ये टाइटल इतना पाक और इतना बड़ा है कि उसके लिए कोई भी कहानी आप नहीं बना सकते थे इस टाइटल के साथ। तो इस टाइटल के लिए कहानी चुनने में हम लोगों को वक्त लगा और इस कहानी को लिखने में मुझे तकरीबन 2 साल लग गए, क्योंकि मैं हर कदम हर वर्ड बहुत सोच समझकर लिख रही थी और रख रही थी, क्योंकि मुझे इस टाइटल के साथ जस्टिफिकेशन चाहिए था एज़ फार एज़ स्टोरी इज़ कंसर्न। और मैंने अपना जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, चुना था, पहले दिन से मैंने मुकेश ऋषि जी को इस रोल के लिए रखकर ये कहानी लिखी थी और बिंदु जी को भी उस कैरेक्टर में सोच कर समझ कर ये कहानी मैंने लिखी थी। इसके लिए आप देखोगे कि मुकेश जी और बिंदु जी का जो रोल है वो इतना अलग है कि अब तक इन्होंने ऐसी फिल्म नहीं की है, ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं मुकेश जी, बिंदु जी, डॉली जी के साथ काम करने का मुझे मेरी फिल्म में मौका मिला, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सौभाग्य हासिल हुआ, मुझे बाबा जी ने सेलेक्ट किया कि कल्याणी तुम ये फिल्म डायरेक्ट करोगी 52 साल बाद, जिसका नाम है नानक नाम जहाज है। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करती हूँ, बहुत अपने आप को धन्य समझती हूँ कि बाबा जी का आशीष आशीर्वाद और उनकी मेहर मेरे ऊपर रही कि मैं ये फिल्म बना पाई। और हर कदम पे मैंने महसूस किया कि बाबा जी मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज मैं इस फिल्म के म्यूज़िक रिलीज़ पर आप लोगों से रूबरू हो रही हूँ। उसमें और भी कई चीज़ें बड़ी कमाल की रही जो एज एन एक्टर जो मुझे बहुत प्राउड है उस बात का, क्योंकि ज़्यादातर हम लोगों को स्क्रिप्ट मिलता नहीं है, हम लोग सुन लेते हैं और हम लोग ज़्यादा बहस भी नहीं करते हैं, लेकिन कल्याणी जी ने ये स्क्रिप्ट मुझे मेरे ख्याल तकरीबन 1.5-2 महीने पहले दे दिया था।
उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और उसकी खूबसूरती ये रही कि शूटिंग पे जब हम कर रहे थे तो वही स्क्रिप्ट था, उसकी एक भी लाइन जो है कल्याणी जी ने चेंज नहीं की थी। नॉर्मली हमें ये डर रहता है कि कुछ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उसे ध्यान से कर लेते हैं हम लोग, फिर लाइनें काफ़ी सारी चेंज होती हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस था इनका, क्योंकि इन्होंने जो लिख दिया उसके ऊपर अटल थे। उसके बाद इन्होंने कुछ सोचा नहीं उसके बारे में, जो लिख दिया, जो इनके मन ने कह दिया, जो इनके रूह ने कह दिया, वही किया इन्होंने। ना मेरी कोई लाइन चेंज हुई, ना डॉली जी की कोई लाइन उसमें से चेंज हुई। ये भी एक अपने आप में एज एन एक्टर मैं कहूँ तो मुझे बेहद बेहद इस बात की खुशी है कल्याणी जी कि ये बहुत ही कमाल बात थी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैसेज क्या जाना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, नासा अगर आज नासा खड़ा भी है ना तो हमारे इन्हीं ग्रंथों पर खड़ा है। इन्हीं ग्रंथों पर शोध करके सर्च करके नासा आज नासा बना। तो जहाँ ये हमारी ये फिल्म नहीं है, ये एक सच्ची आस्था का प्रमाण है। अगर नानक नाम जहाज है, जहाज का तात्पर्य है कि जिसका और छोर होता ही नहीं, तदपि वही इस टाइटल का मीनिंग है कि गुरु नानक साहब कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो एक देववंश थे, इसलिए उनका कोई छोर ही नहीं है। तो इसलिए ये टाइटल उन पर पूर्ण रूप से साबित होता है, शीर्षक है कि नानक नाम जहाज था, है और हमेशा रहेगा। वही बात ये टाइटल का जो अभिप्राय है, जिसका संबंध आस्था से है, तो मैं ये कहूँगा कि आज भी मैं आप लोगों से कहूँगा, आप लोग कितने बड़े पत्रकार लोग हैं, हर जगह जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं, अदालत में भी जाते हैं, हर जगह, और किसी भी जगह जाइए, हॉस्पिटल के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाइए, हर ऑपरेशन थिएटर में लास्ट में ईश्वर की प्रतिमा, चाहे नारायण के लिए, चाहे नानक साहब की कहिए, और डॉक्टर बाहर से निकल कर जब उनकी हिम्मत नहीं होती तो यही कहते हैं अब भगवान की इच्छा। और ये मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूँ, बड़ा से बड़ा डॉक्टर, क्यों? क्योंकि उससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। और ये फिल्म यही साबित करती है कि आज भी अगर दुनिया में कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट, कोई भी है, अगर वो इतना कर दे कि बिना मानव का, बिना प्राणी का एलिमेंट लेके, बिना मानव तत्व को उपयोग करके अगर वो किसी भी चींटी से लेकर हाथी तक का जीव में सांस डाल दे, तो मैं मान जाऊँगा कि विज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं कर सकता और ना भविष्य में कर पाएगा। ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो वो है प्राणी की आस्था, और ये उसी आस्था को प्रमाणित करती है ये फिल्म नानक नाम जहाज है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया है कि जिस तरीके से जिस किरदार को मुकेश जी किए हैं और इनके बच्चों की बात होती है, और जिस तरीके से उनका बालपन में जो उनके साथ हादसा हुआ और उन्होंने एक जो बचपन की जिद होती है उस जिद के कारण, लेकिन जब औलाद की बात आती है तो मुकेश जी अपने किरदार में होते हैं औलाद के लिए एक पिता, जब टूटता है और टूट करके ईश्वर के पास जाता है कि अब सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, और उस समय दिखाया जाए उनसे बड़ा रिचेस्ट कोई नहीं है और कोई धन काम पे नहीं आ रहा, सारा धन लगाने के बावजूद भी अगर कुछ काम आती है वो सिर्फ आती है नानक साहब की आस्था, और उस आस्था के चलते मृत शरीर भी जीवित हुआ। ये फिल्म नहीं, ये मैं उदाहरण देता हूँ अश्विनी कुमारों से, बुजुर्ग हो चुके थे जिन्होंने कई सदियाँ जीत चुके थे, लेकिन इस आस्था के कारण वो दोनों अश्विनी कुमार पुनः जीवित हुए। मैं ये उदाहरण देता हूँ सती सावित्री की, यमराज प्राण ले गए थे लेकिन सती सावित्री की आस्था ने यमराज को मजबूर कर दिया और उनके पति के प्राण छोड़ने पड़े। मैं बात करता हूँ जिसे आप सब लोग कहते हैं दुर्गा सप्तसती। दरअसल एक 14 वर्ष के बालक मार्कंडेय जी ने लिखा था, मार्कंडेय पुराण कहा गया, सारे पुराणों में अव्वल कहा गया, जिसने 14 वर्ष की आयु में इतना बड़ा पुराण लिखा। उनकी थोड़े समय पहले ही मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी माँ ने, एक्चुअल में वो दृश्य मुझे जब फिल्म देख रहा था तो मुझे कल्याणी जी की जो भाव है और जिस तरह की उन्होंने अपनी वेदनाओं को अभिव्यक्त किया है, तो दरअसल वो दृश्य मेरे सामने हो रहा था। चूँकि मैं एक, आप सब जानते हैं कि एक उच्च ब्राह्मण कुल फैमिली से मैं जन्मा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ज्ञान है इस चीज़ का,
और जब मार्कंडेय पुराण की मृत्यु हो जाती है, मार्कंडेय जी की मृत्यु हो जाती है, उनकी माँ ने महादेव की मूर्ति के सामने कल्याणी जी प्रतिज्ञा किया था कि अगर मेरे बेटे को आपने जीवन दान नहीं दिया तो इस धरती में आपके ऊपर से लोगों की आस्था उठ जाएगी, क्योंकि हमारा एक गाना ऐसा भी कुछ है। और सत्य मानिए कि महादेव और पार्वती की आपस में कहा सुनी भी हो गई इस चीज़ के लिए। महादेव ने बोला है प्रकृति का नियम है, पार्वती जी ने बोला एक माँ के लिए संसार में कोई नियम लागू नहीं होता है, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। और महादेव को माननी पड़ी बात और मार्कंडेय जी को प्राणदान देने पड़े सिर्फ सच्ची आस्था। तो ये सिनेमैटिक फिल्म को देख कर नहीं, ये आज भी द्वापर त्रेता कलयुग सत्युग हमेशा कली आस्था थी और ये आस्था है और हमेशा रहेगी, और इसी आस्था को प्रमाणित करेगी हमारी ये फिल्म नानक नाम जहार। कब रिलीज हो रहा है? ये फिल्म रिलीज़ हो रही है 24 मई को ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया, सब जगह एक साथ रिलीज़ हो रही है 24 मई को। और इसके बारे में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस फिल्म का बेस ही है आस्था और विश्वास। अगर हमारी आस्था और विश्वास है, इसीलिए हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जाते हैं ईश्वर का दर्शन करने के लिए। अगर हमारी आस्था और विश्वास ना हो तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। ये आस्था और विश्वास ही है कि हमें हर जगह लेकर जाता है। और वहाँ जाने के बाद जो कुछ हमारे जीवन में घटता है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर घटता है जिससे उसकी आस्था और विश्वास और मजबूत और प्रबल हो जाती है ईश्वर के ऊपर। और एक चीज़ मैं यहाँ और कहना चाहूँगी हमारी फ़िल्म के बारे में कि हमारी फ़िल्म में बहुत सारे ऐसे इमोशनल सीन्स और दृश्य हैं जिसको मुकेश जी ने और डॉली जी ने निभाया है। मैं इस बात से बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे आर्टिस्टों ने, ये जो हमारे मेन आर्टिस्ट दो हैं, पिलर हैं हमारी फ़िल्म के, इन्होंने कहीं भी ग्लिसरीन का यूज़ नहीं किया। हम ये सोचते थे कि अब ये सीन आया है तो शायद ये ग्लिसरीन लगाएंगे, लेकिन नहीं, जो आंसू आए हैं वो सीन की डिमांड के हिसाब से नेचुरल आए हैं। और इस चीज़ के लिए मैं अपने आर्टिस्टों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कहानी की सादगी भी कुछ इस तरह की है कि बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जो आप लोग हम लोग की सब कॉमन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी अलग है वो। हाँ, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं ज़िंदगी के हिस्से, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ सेम होती हैं। ये कहानी भी एक आस्था है, एक इंसान है जो बिलीव करता है कामयाबी पे, मेहनत पे, जिसको कामयाबी मिलती है उसको, वो कहता है कि शायद यही एक रास्ता है जिससे आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। और एक तरफ वाइफ है उसकी जो महसूस करती है कि प्रभु की, बाबा जी की जो मेहर है वो हमेशा हमारे साथ साथ चलनी चाहिए। सवाल सुख दुख का नहीं है कि उनके साथ ही चलना चाहिए, वो ये महसूस करती है। और वो किस तरह, देखिए हम लोगों की ज़िंदगी में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे अभी शास्त्री जी ने कहा कि विज्ञान तो है ही है, लेकिन बहुत सारे ज़िंदगी के चैलेंजिंग ऐसे आते हैं जहाँ आपको लगता है कि विज्ञान नहीं है। अब वो बाबा जी की मेहर, इस वाहिगुरु की मेहर ही काम में आई, तो ये होता है और हुआ है। और यही हमारी कहानी का जो सबसे बड़ी सेंटर पॉइंट है, वो इतना कॉमन है और हर आदमी से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इसे लोग ज़रूर इस बात को महसूस करें कि यस, कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ था या हो सकता है, या मैं क्यों इस वक्त उस शक्ति से दूर हूँ जिसके बिना हम पार नहीं हो सकते, इसके बिना हम उस जहाज़ पर नहीं चल सकते। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है इसकी जो आपको छू लेने वाली होती हैं, तो इसीलिए शायद करते हुए भी हमें वो महसूस हो रहा था। इसलिए मुझे नहीं याद, ठीक कह रही हैं कि हमने ध्यान में नहीं आया कि मुझे ग्लिसरीन लगानी है, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व हो जाते थे राइटिंग में। अरविंद जी, आपको मैं जानना चाहता हूँ कि इतना प्यारा नाम है नानक नाम जहाज, क्या बोलना है कि इस तरह का पिक्चर बहुत लेट आए, काफ़ी लोग सभी से इंतजार कर रहे हैं, क्या बोलना चाहता हूँ? सबसे पहले तुझे बोलो दो, नहीं पाजी पाजी बोलो। सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि मुकेश जी ने, सतीश जी ने, मैं भाभी जी कहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और वही बातें जो मैंने भी महसूस की जब मैं पहली बार मिला। मुझे
हमारे मान भैया जिन्होंने कॉल किया भाभी ने कि आपको इस फिल्म में टाइटल गाना है, टाइटल सॉन्ग, तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ क्योंकि ये नानक नाम जहाज़ है, एक ऐसा नाम, एक ऐसा टाइटल है, इसे कोई भी गाने के लिए खुशी खुशी गाने के लिए तैयार होता है। और मुझे लगा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बुलाया गया और इस गाने का मुझे मौका मिला। और जो मैंने जो चीज़ महसूस की ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग और जब भी मैं मिला, तो जो कल्याणी जी ने कहा भाभी ने कि आस्था, जो विश्वास जो मैंने देखा, मुझे लगा कि ये वाकई गुरु नानक देव जी ने इनकी ड्यूटी लगाई है कि ये आप ही को करना है, क्योंकि ये बिना विश्वास बिना आस्था के इस तरह की फिल्म बन नहीं सकती। और उसमें प्योरिटी, जो एक प्योर जो चीज़ थी वो मैंने महसूस की, और वही चीज़ म्यूज़िक में और वही चीज़ पूरी फिल्म में आपको नज़र आएगी, जो कि मुझे लगता है कि सिर्फ जब ऊपर वाला ये चाहता था तो उस वही ऐसे काम करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है सनातन वर्ल्ड म्यूज़िक फॉर सोल, तो ये भी बड़ी बात है, किसी भी कंपनी से रिलीज़ हो सकता था म्यूज़िक, लेकिन मुझे लगता है ये सब लिखा हुआ है कि ये म्यूज़िक भी एक ऐसे चैनल पे आ रहा है जहाँ बात सच्चाई की, आस्था की, विश्वास की है, तो मुझे लगता है कि ये भी उसकी कृपा है। और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि इस तरह का। और एक और बात मुझे याद आ गई, जब मैं मुंबई आया था नया नया, तो सारे जो फिल्म के मुहूर्त और सब सन एंड सैंड में होते थे, तो जब मुझे मान भैया ने कहा कि सन एंड सैंड में है, तो वो पुरानी यादें, तो मुझे याद आ गया कि बड़ी बड़ी फिल्में यहीं से शुरू हुआ और सुपर हिट हुई। और मुझे यकीन है कि ये फिल्म ना सिर्फ सिख जो गुरु नानक देव जी को जितने भी लोग मानते हैं या जो भी आस्था विश्वास में यकीन रखते हैं, उन सबको ये फिल्म दिल तक असर करेगी। और मेरी सबसे यही गुजारिश है कि थिएटर में जाके 24 मई को ये पिक्चर ज़रूर देखें और अपने आप को भगवान के और नज़दीक ज़रूर पाएँ। हाँ, मैंने जो टाइटल जो इसका था, और भी गाने मैंने गाए, पर जो बहुत ही प्राउडली मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म के साथ मैं जुड़ा हूँ, नानक नाम जहाज है, तो जो मुझे भाभी जी ने बताया कि, और इस गाने के पीछे भी काफ़ी मेहनत हुआ, कई कंपोजिशन चेंज हुई, तो उसके बाद फाइनल जाके एंड में जाके और इन्होंने बहुत अच्छा गाया, मतलब अपनी पूरी सोल इन्होंने उसमें डाल दी है। जब आप अभी हम आपको गाना दिखाने वाले हैं, लेकिन अभी पहले मैं चाहूँगी कि दो लाइनें ये अपने मुख से गाएं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। साडा कैरेक्टर इन दे विच, इसमें अगर मैं बात करूं, मैं और जग्गी इसमें हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली होती है जो बहुत ही खुश रहती है, हंसी खुशी अपने घर में रहती है, उनका एक प्यारा सा बच्चा भी है। इनिशियली वो बहुत खुश होते हैं, बट ग्रेजुअली पता नहीं उनको क्या होता है कि उनकी ज़िंदगी में, उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी में नज़र लग गई है उनके हंसते खेलते परिवार को, और फिर वो बाबा जी से ऐसे कनेक्ट होते हैं और वो उनको अपना कैसे सहारा देते हैं और सारी चीज़ें फिर से अच्छी होने लग जाती हैं। तो ये इस तरीके का कैरेक्टर है जिसमें एक परिवार होता है, वो हंसी खुशी रहते हैं और फिर ग्रेजुअली वो सारी चीज़ों को, मुश्किलों को पार करते हुए आगे कैसे बाबा जी तक पहुंचते हैं, इसके बारे में। आपको सबसे पहले बहुत बधाई हो, जिस तरह की पिक्चर है, मुकेश सरस्वती है, महावीर एक्टर, इनके साथ कैसे ज़्यादा काम करते हैं और क्या करेक्टर थे आप बताइए। सत श्री अकाल जी, सर नूं मैं पहली बार मिल रहा, सेट थे सर बट मुलाकात हुई नहीं। और मैं एक गल ही कहूँगा
कि बहुत ही सुचे तो सच्चे तरीके बनाई हुई फिल्म है। तो जिन्या भी स्टोरीज है ये या करैक्टर्स है तुसी फिल्म तुसी आप मीडिया वाले बंदे है ना तुसी आप देखोगे ना तुसी किते ना किते अपने आप नू उस जगह ते लै जाओगे कि हाँ यार साढ़े नाल भी होया है जिंदगी है ना थोड़े सारे दे बच्चे है ना कई दे हो जाएंगे बाबा जी ने चाहता है ना कदे थोड़ा जा बच्चे नू बुखार भी हो जाता तो आप किवें तड़प जाइदा है ना माँ बाप तड़प जाते बच्चे की हो गया है ना भजते है फिर है ना फिर जो थक हार जाते टुट जाते नहीं कुछ बस चलता तो फिर बाबा जी दे लड़ लगते हैं ना तो यकीन मन्ने जो सच्चे दिलों आप प्रार्थना करते हैं चीज़ा सैट हो जाए सारिया है ना जिंदगी तो उही है सब ने बहुत प्यार मेहनत न बनाई है फिल्म तुम जरूर देखियो तो उम्मीद करते हैं अगे तो भी यह जी वधिया वधिया फिल्म असं बनाते रहेंगे जी 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 देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम लोग म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं सनातन वर्ल्ड और हमारी जो प्रोड्यूसर हैं कल्याणी जी इनके पास बहुत सारी म्यूज़िक कंपनियों ने अप्रोच किया सामने बैठी हैं मैं बोल रहा हूँ अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों ने मैं कह सकता हूँ कि मुझसे बड़ी कंपनियों इसमें कोई शक नहीं लेकिन ऐसा रहा कि कल्याणी जी का जैसे वो मेरा चैनल देखती हैं और अभी तक ज़्यादा नहीं कुछ 400-500 मैंने एल्बम रिलीज़ किए हैं लेकिन मेरे सेट में कोई अगर स्मोक भी कर लिया वो दोबारा कभी मेरे सेट में नहीं आता तो हालांकि मेरे स्वभाव को मेरे विषय में जानकर उन्होंने और इनके हस्बैंड श्री मान सिंह जी हैं उन्होंने बिल्कुल एकदम जिद पकड़ ली कि चाहे दुनिया की कोई कंपनी आ जाए ये मेरी फिल्म और ये फिल्म का जो कंटेंट और फिल्म का जो उनका उद्देश्य जो उनकी आत्मा से बिल्कुल उनकी सातों आत्माओं से निकल कर आया बोला इसी कंपनी में रिलीज़ करना है। अब रही बात इस फिल्म को बनाने के पीछे मैं ये कह सकता हूँ कि इस फिल्म की कहानी हमारी जो निर्मात्री हैं उनके बहुत आत्मा के बहुत करीब है और इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि उनके जीवन के ओत प्रोत है और इन पर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है अपनी भावनाओं की अपने मन की अपने धन की मतलब पूरी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी और आप सब लोग जिस आस्था के विषय में आप लोग सोचते हैं कई बार कुछ आज लंदन पढ़ के आते हैं यूके पढ़ के आते हैं मतलब आप लोगों ने देखा कि पढ़े लिखे होने के कारण थोड़ा सा ना कि बुखार आ गई और ऐसा हुआ तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो क्या भगवान ठीक कर देगा कई बार आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते होंगे। आज मैं बताता हूँ इस संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है और आपको मैं प्रूफ करूँगा कि वो डॉक्टर आज से कई हज़ार साल पहले और आज भी ये बोलता हूँ कि अगर किसी की गर्दन अलग कर दी जाए और आज कोई वैज्ञानिक उसे पूर्व तरीके से जोड़ दे और वो ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर प्राणी बना दे कोई वैज्ञानिक ऐसा कर दे मुझे बताइए। लेकिन हमारे महादेव ने अपने ही औलाद को गर्दन से भी अलग किया और उनकी गर्दन को एक जानवर जिसे हाथी कहा जाता है हाथी का ही क्यों जोड़ा उससे बड़ा ऑपरेटर उससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा। ये है सच्ची आस्था का विषय ये उनकी आस्था है। आस्था कैसे प्रूव होती है कि उनकी माँ की आस्था जिस वक्त माँ पार्वती ने प्यार से गुस्से से देख लिया कि पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा महादेव को करना ही पड़ा और उन्होंने ये साबित किया कि मेरे से बड़ा डॉक्टर भी कोई नहीं है और वो गर्दन बोले जो ही जानवर मिले पशु मिले पक्षी मिले कोई भी गर्दन लाओ और मैं इस बच्चे को अपने बेटे को मैं जीवित कर दूंगा। माँ आप टेंशन मत लो क्यों माँ की आस्था। और इस फिल्म में आपको मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इसमें कल्याणी सिंह जी एज ए मातृत्व प्रेम में सिर्फ अपने निजी मातृत्व प्रेम में इस फिल्म की कहानी खुद लिखी अपने जीवन की कहानी को इसमें समायोजित किया और अपनी भावनाओं को एक एक डायलॉग में उतार दिया। इसलिए नानक नाम जहाज है ये आस्था का एक मतलब प्रमाण पत्र कहना चाहिए प्रमाण पत्र है ये चाहे महादेव हों चाहे गुरु नानक जी हों चाहे श्री राम हों ये सब हमारे देववंश हैं ये हमारे भगवान हैं उन्हें कोई सामान्य प्राणी में सामान्य इंसान में नहीं गिनना है हमको भले वो मानव श्री राम प्रभु भी तो हमारे मानव रूप में ही आए थे ना उन्होंने अपनी लीलाएँ की हमारे गुरु नानक साहब आए गुरु नानक साहब ने तो वो मानव धरती पर किया ना कि मतलब जिनका वर्णन और बखान करना इनके लिए तो कम से कम 1000 फिल्में बन जाए तो भी इनका पूरा व्याख्यान संभव नहीं है। तो इसकी जो आस्था और प्रामाणिकता है सिर्फ इसी से कि आज भी
हॉस्पिटल हो या डॉक्टर हो, सारे कहीं ना कहीं जो लास्ट में हाथ जोड़ लेते हैं, या कुदरत, मतलब कुदरत के आगे कोई भी चीज़ है, सब कुछ आज भी बौनी है, बौनी। आज लोग बोलते हैं पहले हॉस्पिटल नहीं होते थे। मैं आप लोगों को आज थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, आज से अगर 1000 साल पहले जाइए, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ था? क्या प्लास्टर था कोई? लेकिन अगर रामायण महाभारत में देखिए, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, और इन मिसाइलों से कहीं ज़्यादा ब्रह्मास्त्र, अग्निअस्त्र, वायुअस्त्र, पाशुपतास्त्र चलते थे, जिनका विध्वंसक, जिनका तो कोई तोड़ ही नहीं होता था। तो आखिरकार वो लोग भी तो ठीक होते थे। तात्पर्य मेरा ये है कि तब भी हमारी आयुर्वेद चिकित्सा थी, तब भी ईश्वर पर आस्था थी। देखिए राम की सेना जब लड़ती थी, प्रभु राम की सेना, बंदर भालू, वो इसलिए नहीं लड़ती थी, वो कहाँ लड़ी पता नहीं, उनको पता है मेरे प्रभु श्री राम है, मुझे ना मरने देंगे ना हारने देंगे, इसे आस्था बोलते हैं। महाभारत में कोई नहीं जानता है, कृष्ण के पीछे लड़ते थे अर्जुन की, जो प्रभु ने कहा हम वो कहे, सत्य क्या है, धर्म क्या धर्म, ना पांडव जानते थे ना कोई जानता था। तो किसके पीछे लड़े? आस्था के पीछे। तो सर आस्था के पीछे क्या है क्या नहीं है, कोई तर्क नहीं होता है, और आस्था में जहाँ तर्क आ जाए वो आस्था नहीं होता। इसलिए ये नानक नाम जहाज है, 100% आस्था का एक ऐसा प्रमाण पत्र है कि आप लोग देखेंगे, और मैं कहता हूँ कि ऐसे कई उदाहरण मेरे पास है जहाँ ईश्वर ने चमत्कार किए हैं और हम उसको भौतिक रूप से जानते हैं, और ऐसे संसार में कितने और एग्जाम्पल मिलेंगे। तो इसलिए इस फिल्म को हर माँ बाप को, हर नवयुवक को एक बार तहे दिल से देखना चाहिए। इसमें एक माँ की ममता, एक पिता का, कितना बड़ा पिता हो लेकिन औलाद के लिए वो किस कदर अपनी जिद को भी साइड में करता है कि अगर मेरी औलाद बच जाए तो मैं हर मान सम्मान बेइज्जत सब कुछ सह लूँगा। तो ये है इस फिल्म का प्रमाण। लास्टली सर, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं, फीचर देखने के लिए आएगा आपकी तरफ से एक मैसेज दीजिए। मैसेज जैसे काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन जो सरल तरीके से मैं अगर ये बताऊं तो जरूर आएंगे अपने बिल्कुल सर, नाम भी और हाल भी हो गया। बिल्कुल मैं सारे यार ही आपके पिक्चर के साथ क्या बोलना चाहते हैं अपने कैरेक्टर वाले? ये फिल्म यानी ये हिस्ट्री वाली फिल्म है, नानक नाम जहाज है। इसने पहले भी एक बार हिस्ट्री क्रिएट करी थी पंजाब में, बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी, मतलब अनबिलीवेबल, लोग जूते बाहर निकाल के हॉल में जाते थे। अब ये दूसरी बार बनी है और इतनी खूबसूरत बनी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर बनी है। जब मैं देखी तो रो रो के मतलब पागल हो गए कि यार कैसे कल्याणी जी ये पिक्चर बनी, जब बन रही थी ऐसा लगता है टाइम लग रहा है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, ये आनी चाहिए, जल्दी आनी चाहिए। अब मुझे समझ में आया जो जब होता है, लिखा होता है ऊपर वाले ने, यह तभी होता है। और 24 मई आई थिंक विल बी अ फिनोमिनल डे, बहुत देर के बाद एक ऐसी पंजाबी फिल्म आ रही है जो पहले दिन से ही यानी जो मतलब हाउसफुल के बोर्ड बाहर लगे होंगे और सारे के सारे पंजाबी जो हैं वो बड़े खुश होंगे इसे देख के। वाहेगुरु जी तो यानी हमारे सबके दिल में बसते ही हैं। नानक नाम जहाज़ है जो हम बोलते हैं कि मतलब कि नानक नाम के जहाज़ में चढ़ जाओ, तो ये फिल्म वाकई हमारे लिए तो बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं बहुत खुश हुआ हूँ जब मैं पिक्चर देखी, आई कांट टेल यू कि इतना रोना आया, इतनी खुशी मिली। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर के लगता है यार हम सबको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना समझ में आता है कि भगवान है, सबको पता है भगवान है, लेकिन भगवान की जो पावर है वो आगे आगे जैसे जैसे एज बढ़ती है तब जाके समझ में आती है। यंग एज में लगता है यार यार कुछ नहीं, इट्स ऑल रबिश, व्हाट आर यू टॉकिंग, ऐसे ऐसे करके बच्चे बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी भी उम्र बढ़ती है उन्हें समझ में आता है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये लिखा है और होनी को कोई नहीं टाल सकता। आई थिंक मुकेश जी ने बहुत ही कमाल काम किया है, डॉली ने बहुत कमाल, सब ने बहुत कमाल काम किया है इस पिक्चर के अंदर। मेन चीज़ है कि पिक्चर इट्सेल्फ इज़ ब्यूटीफुल, पता भी नहीं चलता कब शुरू होती है और वो कब ख़त्म हो जाती है। और लोगों थोड़ा सा प्लीज़ अपने टिशू या रुमाल पक्का लेके जाना, क्योंकि आई थिंक कोई भी इस फिल्म से रोने के बगैर बाहर नहीं आने वाला। वेल डन। मेरा गॉड फियरिंग किरदार है, मैं एक हमारी एक चलता है वीर जी मलाई चाप करके एक है जिसके मैं ब्रांड एम्बेसडर, वो सरदार हैं, दो भाई हैं, वो पूरे टाइम गुरुद्वारे में दुकान बंद करने के बाद रोज़ गुरुद्वारे में सेवा करते हैं 4-5-6 घंटे। तो मुझे लगता था ये क्या है, फिर मुझे समझ में आया कि जब आदमी ऐसे पूजा पाठ से अपनी ज़िंदगी बिताता है तो ऊपर वाला बाबा जो है ना नानक हाथ रख देता है। तो उन दो बेचारे नॉर्मल यू नो नॉट इवन लिटरेट
अनपढ़ टाइप्स नॉर्मल सिंपल लोग के ऊपर उनने बाबा जी ने हाथ रख दिया और आज 166 दुकानें हैं उनकी। तो जो आदमी अपना मतलब एक दुकान भी चलाना यानी जिनको ओके है, खाली खाना अच्छा था, उसके ऊपर जब बाबा जी का हाथ आता तो 166 आउटलेट है। तो मुझे ऐसा लगा था मैं उनका ही रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक सेवादार का रोल है। सेवा हमारे पंजाबियों में ना बहुत लोग सब गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, लोगों को आई थिंक बहुत खुशी मिलती है जब जाके बर्तन साफ करते हैं वहाँ और एक दूसरे के साथ मिल के। जब बड़े बड़े दिन होते हैं पंजाबियों के तो 400,000 आदमी आके गोल्डन टेम्पल पर खाना खा लेते हैं, लेकिन एक सेकेंड भी उन्हें वेट नहीं करना पड़ता। वो पूरे के पूरे पता नहीं किस तरीके से रोलिंग चलती है और किस तरीके से दाल सब्जी आ रही है, रोटियां प्लेट सब कुछ साफ हो रहा है। मैं खुद तो, करती हूं। हाँ, सब लोग जो भी करता है, हम भी जाते हैं तो हम जाके गुरुद्वारे में जाके खाना बनवाते हैं तो देखते हैं कि हमारा खाना जो है आधे घंटे में 2,000-5,000 आदमी का खाना बन भी गया और उन्होंने खा भी लिया। तो दैट इज़ द अमेजिंग, सिख धर्म ही ऐसा है, बहुत ही ब्यूटीफुल धर्म है। एंड हम सब जो है वो वी आर ब्लेस्ड कि हम नानक नाम जहाज है का एक पार्ट बन सके। कह रहे पिक्चर है पंजाबी, लेकिन हिंदी च भी लोगों को देखने को मिलनी चाहिए। हिंदी तो पंजाबी कोई बहुत ज्यादा फर्क, हाँ अभी ये करण वाले हैं, हिंदी तो करण वाले हैं। हाँ, पर रिलायंस वाले वैसे ही छोड़ने नहीं वाले, कमिंग सून इन हिंदी। रिलायंस वाले वैसे छोड़ेंगे नहीं कल्याणी जी, वो सब टाइटल डाल देंगे, सब कुछ डाल देंगे। पर पंजाबियों वास्ते मैंने लगता है कि आने वाली है। हाँ, बहुत ही बढ़िया करोगे डबिंग। नहीं, बहुत सोनी फिल्म है। मैं कह रहा है कि पंजाबियों वास्ते यही कहना चाहता कि एक बड़ा ही प्यारा तोहफा जो कल्याणी जी लेके आ रहे ने, मुकेश जी, बिंदु जी, सारे कलाकारों ने कमाल काम किया है। और मैं चाहवागा कि क्योंकि यदा मज़ा तो पंजाबी ही आना है जो तो लोग देखेंगे। बिल्कुल, तो वही कहना चाह रहा कि पंजाबी भी इन्हें ओना ही प्यार करेंगे तो जोड़े पंजाबी नहीं जानते वो भी ओना ही प्यार करेंगे। हाँ जी, गुरबाणी गा के सुनाएगा। गुरबाणी मैं फिल्म का एक लाइन गा दे कोई, ये फिल्म की बहुत अच्छे शब्द है। रुमाल ले सतगुरु ना, सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ, सतगुरु नानक परगटिया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ, नानक नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार। ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, नानक नाम जहाज है। ये नाम से ही एक, मैं खुद पंजाबी फैमिली बिलोंग करती हूँ तो ये जो नाम है ये हमारे, अच्छा तो ये जो एक नाम है नानक नाम जहाज है वो तो हमारे गुरु जी हैं। तो ये बहुत बड़ी एक फिल्म है, फिर से एक नानक नाम रिपीट होने जा रही है। 50 साल पहले आई थी नानक नाम जहाज है, कितनी श्रद्धा से लोगों ने उनको देखा था, लोगों ने स्लीपर तक बाहर खोल दी थी, इतनी उनकी श्रद्धा और फीलिंग थी कि वो फिल्म आ रही है गुरु जी के ऊपर और फिर से ये फिल्म आ रही है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हमारी पंजाबी इंडस्ट्री भी मेक श्योर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। मेरा एक सॉन्ग है जब हमारे मुकेश जी जो है इनके यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, वाइफ जो है गुरुजी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती है, हस्बैंड जो है बिलीव नहीं करते हैं और इतनी प्रे करती है कि कुछ ना करने की वजह से भी उनके यहाँ बेबी नहीं होता है, बट वो इतनी श्रद्धा रखती है गुरुजी के ऊपर, रोज़ गुरुद्वारे जाना, रोज़ सब कुछ करना, गुरुजी सब करेंगे, सब कुछ फेल हो जाने के बाद भी वो उनके घर एक बेबी आता है, जब बेबी आता है तो मैं वो एक डांस मैं करती हूँ, मैं बधाइयाँ लेके जाती हूँ, वहाँ एक मेरी एंट्री होती है।
मैं बहुत लकी हूँ कि ऐसे इतने बड़े स्टारों के साथ मैं काम कर रही हूँ, और मुझे मौका मिला, हमारी जो डायरेक्टर है कल्याणी जी, उन्होंने मुझे मौका दिया. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मैं ऑडियंस को कहूँगी, आप जाइए ये फिल्म को बहुत सारा ढेर भर के प्यार दीजिए, जिसे आप लोगों ने पहले दिया था 50 साल पहले. फिर से ये फिल्म रिपीट हो रही है, आप फिर से जाइए और अपनी फीलिंग्स दिखाइए, बहुत सारा प्यार दीजिए इस फिल्म को.